गिरगिट भी शर्मा जाता है प्रधानमंत्री को देखने के बाद। अगर शेर अकेला काफी है तो अकेले लड़ लो चुनाव, तो गिदर की खाल में ही तो शेर है, 38 दलों का जरूरत क्या पड़ा। 9 साल बेमिसाल गिना रहे हैं, 9 साल बड़ा बुरा हाल कि दुनिया के ज्यादातर देशों में प्रधानमंत्री ने भारत के बारे में कितनी छवि खराब की है। मोदी है तो भ्रष्टाचारियों को मंत्री बनना मुमकिन है। दिल्ली में बाढ़, कृत्रिम बाढ़ किसने पैदा किया दिल्ली में? मोदी ने। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। हाल में बेंगलुरु में एक बैठक हुई है और अब कांग्रेस पार्टी ने तमाम जो 26 पार्टियों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाई है और उस गठबंधन का नाम अब इंडिया दे दिया गया है। तो इस जो आने वाले इलेक्शन में है, अब जो है NDA बनाम इंडिया होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पंकज श्रीवास्तव उर्फ तिलकधारी, इनसे बात करेंगे कि क्या तमाम जो है विवाद चल रहा है, इंडिया जो नाम रखा गया है उस पर विवाद चल रहा है, क्यों ऐसा, क्या कारण है कि विवाद चल रहा है। कहते हैं राहुल गांधी जो है विदेश में जाकर इंडिया की बुराई करते हैं और अब इंडिया नाम रख लिया गठबंधन का। बुराई प्रधानमंत्री जी की आपको ना दिखी? जो नरेंद्र मोदी जी देश के अधिकतर देशों में जाकर ये कहते हैं मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भारत में पैदा लिया, जबकि उन्हें ये कहना चाहिए कि मेरा सौभाग्य है कि एक चाय वाले का बेटा को भारत की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, तो ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य है, ये बात प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। और कई देशों में उन्होंने बोला है, शायद आपको भी पता होगा, या आप मोदीफीविया की बीमारी से ग्रस्त होंगे तो आपको नहीं पता होगा, आप पत्रकारिता करती हैं, आप बताइए कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में प्रधानमंत्री ने भारत के बारे में कितनी छवि खराब की है। हर आदमी, चूंकि प्रधानमंत्री जी देश को मूर्ख बनाने में अभिनय बचपन से उनको आता है, गिरगिट भी शर्मा जाता है प्रधानमंत्री को देखने के बाद। आपको पता होगा 38 दल प्लस CBI ED यानी अली बाबा 40 चोर पूरा गिरोह है। आपने देखा होगा जिस भ्रष्टाचार की बात प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को कर रहे थे मध्य प्रदेश में, 2 तारीख को सरकार में शामिल किया और उसे वित्त मंत्री बनाया। जिस आदमी के बारे में महाराष्ट्र सदन घोटाले का आरोप लगा रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने वहां मंत्री बनाया। मोदी है तो भ्रष्टाचारियों को मंत्री बनना मुमकिन है, मोदी है देश लूटने वालों को मुख्यमंत्री बनना निश्चित है। 9 साल बेमिसाल गिना रहे हैं, 9 साल बड़ा बुरा हाल, देश बदहाल, देश का आवाम परेशान, तो इससे निजात होने के लिए अगर ये लोग परेशान ना होते तो ये तमाम हथकंडे नहीं अपनाते। सोचिए उत्तर प्रदेश में जो राजभर जी योगी मोदी को कोसते नहीं थकते थे, उनको शामिल कर लिया। भाजपा वाशिंग पाउडर, मोदी वाशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जिस अजीत पवार को मोदी जी गालियां थकते नहीं थे, पिशिंग कर रहे थे, वो जब उनकी पार्टी में गए तो मंत्री बना दिया, वित्त मंत्री बना दिया। तो आप देखेंगे ये चिल्लर पार्टियां हैं, कई तो ऐसी पार्टियां हैं जिनके कुछ भी नहीं हैं लेकिन वो समीकरण क्या बिठा रहे हैं वोट परसेंटेज का, वो ये ना देख रहे कि किसका क्या आधार है, कौन सी पार्टियां हैं। भाजपा के रातों की नींद उड़ी हुई है, इसलिए बेजा इस्तेमाल CBI ED इनकम टैक्स का किया जा रहा है, विपक्षी नेताओं को डराया जा रहा है, विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है, विधायक तोड़े जा रहे हैं, राजनीतिक दल तोड़े जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको भी दिख रहा है। स्मृति ईरानी कहती है कि कांग्रेस की नींद उड़ी है, अकेले मोदी को नहीं हरा सकते इसलिए सब इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको साफ साफ कह दूं कि मोदी जी बोले थे लोकसभा में अकेला शेर सब पर भारी है, तो गीदर भी अगर अपने को शेर कहने लगे तो आप सोच सकते हैं मोदी को गीदर बोल रहे हैं। अरे मैं उनको थोड़े ना बोल रहा, तो गीदर की खाल में ही तो शेर है,
38 दलों का जरूरत क्या पड़ा? अगर शेर अकेला काफ़ी है तो अकेले लड़ लो चुनाव, उनको ये चिल्लर पार्टी बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कहीं कोई खाता खतियान नहीं है, जो कहे वही सही है, तो कैसे काम चले बताओ आप ही। अच्छा, मोदी को खुल कर क्यों नहीं कहते? अगर कुछ कहते हैं तो खुल कर के, डर लगता है। किसको? कुछ कहने से डर लगता है मोदी को? मुझे तो ना डर लगता, जिसे डर लगता है लगता है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के विरोध में बोलने वाले लोगों को जेल में नहीं डाला जाता, आपको नहीं पता है? उस पर NSA UPA में नहीं डाला जाता, आपको नहीं पता है? दिल्ली में दंगे किसने कराए, आपको नहीं पता है? सब कुछ पता होते हुए आप पत्रकार नहीं बोलते। आप दिल्ली की बाढ़ दिखा रहे थे, दिल्ली में बाढ़, कृत्रिम बाढ़ किसने पैदा किया दिल्ली में? मोदी ने। एक बात बताओ, हरियाणा सरकार धीरे धीरे पानी अगर छोड़ती तो दिल्ली में बाढ़ आता क्या? हरियाणा सरकार को ये नहीं पता था कि ये बाढ़ का पानी मथुरा को ले डूबेगा, नोएडा को ले डूबेगा, आगरा को ले डूबेगा? आप उत्तर प्रदेश की खबरें ना करते तो ये तमाम चीज़ें जब देखेंगे, हर मोर्चे पर सरकार फेल्योर है। यहाँ तक कि अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के भी बजट में कटौती कर दी गई, यहाँ तक कि शिक्षा में कटौती की गई, मनरेगा में कटौती की गई। अगर मनरेगा नहीं होता तो कोरोना काल में क्या होता, बाढ़ प्रभावित राज्यों में क्या होता, ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये मोदी सरकार का फेल्योर है। और ये जो बना है इंडिया, तो इंडिया जुड़ेगा, इंडिया बढ़ेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया चक दे इंडिया। अच्छा, इस इंडिया में जो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा? 2014 के चुनाव लड़े गए थे, हमें नहीं पता चलता है कि आप पत्रकारों को हो क्या जाता है। क्या 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के चेहरा थे? चुने हुए सांसदों का काम है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कि वो प्रधानमंत्री का चुनाव करें। निश्चित तौर पर जब सभी पार्टी के सांसद चुनकर आएंगे, जिसको देश की जनता अपना बहुमूल्य मत देकर जिता के भेजेगी संसद में, उन सांसदों का काम है कि प्रधानमंत्री जी को चुनना। ठीक है, तो आप सुन पा रहे थे पंकज श्रीवास्तव को। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिसको जनता चुन के भेजेगी वो प्रधानमंत्री का पद पर आसीन होगा, और जो NDA की सरकार बनाम जो इंडिया की सरकार है वो जनता तय करेगी कि इस बार तख्ता पलट होगा कि क्या होगा, ये जनता को तय करना है। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी जनहिता।